हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनम्स लाइफस्टाइल। और मैं हूँ सोनम। ये जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है बहुत ही आसान है, एवरीडे मेकअप लुक है। मैं अपना एवरीडे मेकअप कैसे करती हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो इस आसान तरीके से अगर आप भी मेकअप करेंगे तो आपको ये हेक्टिक नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे मैंने ये मेकअप को क्रिएट किया है। बहुत ही सिंपल क्रीम के साथ किया है, वो है गार्नियर की क्रीम। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रेड कलर की जो सब्सक्राइब की बटन आपको वीडियो के नीचे मिलती है उसको ग्रे में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद बेल जो आइकन है उसको हिट करना बिल्कुल ना भूलें और उससे मेरी वीडियो की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। गाइज, मैंने यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है प्राइमर के लिए और मैं इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। डैब डैब मोशन में इसे अप्लाई करना है और इसके बाद मैं यहाँ पे गार्नियर की क्रीम पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी। गर्दन पे भी अप्लाई कर लूँगी इसे और एक ब्रश की हेल्प से या फिंगर टिप्स की हेल्प से भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे वाइट टोन का पाउडर ले रही हूँ और इसे आपको पूरे स्किन पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। मैं एक ब्रश की हेल्प से पूरे स्किन पे इसे अच्छे से लगा ले रही हूँ और गर्दन पे और फेस पे दोनों पे आपको क्रीम और पाउडर अच्छे से लगाना है ताकि दोनों ही इवन लगे, नहीं तो कलर दोनों की अलग अलग लगेगी। और यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का काजल लिया है और मैं अब लोअर वाटर लाइन पे अपने आँखों के दोनों में लगा लूँगी। उसके बाद एक पेंसिल ब्रश की मदद से इसे अच्छे से स्मज कर लूँगी। स्मज करने से काफ़ी अच्छा लुक आता है। और यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का एक आईब्रो पेंसिल लिया है जिससे कि मैं अपने दोनों आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर ले रही हूँ, इससे शेप बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों, मैंने अपने आईब्रो को फिल कर लिया है और अब मैं यहाँ पे ब्लू हेवन की आईलाइनर ले रही हूँ और इसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको निकाल देना है। उसके बाद मैंने अपने दोनों अपर आईलिड पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है और अब यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का मस्कारा लिया है मैंने और दोनों आईलैशेस पे मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई करने से पहले आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालना ज़रूरी है, नहीं तो ये ज़्यादा आपके आँखों में लग जाएगा। इसलिए आईलैशेस पे, दोनों ही आईलैशेस पे अच्छे से मैं इसे अप्लाई कर ली हूँ और लोअर आईलैशेस पे भी आपको इसे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अब मैं यहाँ पे लिप लाइनर की मदद से अपने लिप के आउटर लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरह से आपको अपने लिप लाइनर की मदद से अपने लिप्स के आउटर लाइन को ड्रॉ करना है, इससे शेप बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद ये न्यूड कलर की जो लिपस्टिक है, ये एडीएस की लिपस्टिक है, मैं इसे अपने होठों पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। तो दोस्तों, मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है और इसके बाद मैं बिंदी लगाऊंगी। बिंदी के बिना तो मेकअप अधूरा है, तो ये मैंने बिंदी लगाई और ये हो गया मेरा मेकअप पूरा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू ऑल।